हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय टू क्लास। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 8 एक्सरसाइज 3.2 व्हिच इज स्क्वायर क्यूब एंड क्यूब रूट। एक्चुअली इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस कि हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट क्यूब ऑफ एनी नंबर। सो दिस इज टू मेथड। यहां पे हम दो मेथड पढ़ेंगे। एक मेथड तो नॉर्मली जो मेथड आप जानते हो, जिसको मैं जनरल मेथड बोल सकता हूं, जनरल मेथड। और एक मेथड हम उसके बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत इजी मेथड बोल सकते हो, पर थोड़ा सा वो क्या है, लॉन्ग है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड द सब्ट्रैक्शन मेथड। सब्ट्रैक्शन मेथड, वो जो सब्ट्रैक्शन मेथड मैंने स्क्वायर में भी बताया था, जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तब वहां पे मैंने सब्ट्रैक्शन मेथड बताया था। एक और बात, वॉइस थोड़ी सी आज क्लियर नहीं आ रही होगी, एक्चुअली मेरा माइक खराब हो गया है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा आज, ठीक है। मे बी आई विल अरेंज अ न्यू माइक इन विद इन 2 or 3 days। ओके, आई एम जस्ट ऑर्डर दैट। तो बच्चे यहाँ पे देखो, दो मेथड की हम बात करेंगे। एक मेथड है हमारा जनरल मेथड, दूसरा मेथड है हमारा सब्ट्रैक्शन मेथड। तो जनरल मेथड में क्या होता है, हम उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से, या फिर इसको बोल सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोल सकते हो, क्योंकि वही चीज हम यहाँ अप्लाई करते हैं। करते क्या है, नंबर्स को हम टाइम्स डिवाइड करते जाते हैं, और इतने टाइम्स डिवाइड करते हैं जब तक नीचे जो लास्ट में बच क्या बच जाए, 1 ना बच जाए, ठीक है। सिंपली देखो, जैसे एक मैं नंबर ले लेता हूँ, मैं एज्यूम कर लेता हूँ नंबर हमारा क्या है। चलो एक हम नंबर ले लेते हैं 125। हमने नंबर लिया बच्चा कितना, 125। अब देखो, इसको पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, फिर हम इसको कैसे करेंगे, एक सब्ट्रैक्शन मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया, तो बच्चों हमें पता है 5 से जाएगा, तो 5 2 10। 2 इसके पास कैरी बच्चा गया, यहाँ 5 के पास गया कितना हो गया, 25 हो गया। 2 5 से 25, अभी 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 और 5 1 0। तो आपने यहाँ देखा कि जो 125 था वो कितना हो गया, अगर हम बात करें 125 के बच्चों, तो 125 जो हो गया वो हो गया 5 × 5 × 5, ठीक है। अब सर ये तो ये हो गया, यानी सिंपली सी हम बात कर सकते हैं, अगर क्यूब रूट ऑफ 125 की बात की जाए, इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 5 आएगी, ठीक। ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन लॉन्ग डिवीजन मेथड से। बट जो हमें इसमें न्यू एक चीज सीखनी है, दैट्स कॉल्ड सब्ट्रैक्शन मेथड। वो क्या है सब्ट्रैक्शन मेथड, देखो है क्या, आपको याद होगा जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ रहे थे तो क्या कर रहे थे, एक सेपरेट नंबर को हम उसमें माइनस कर रहे थे, जो आ रहा था फिर उसमें से कुछ माइनस कर रहे थे, फिर जो आ रहा था फिर उसमें से कुछ माइनस कर रहे थे। तो ऐसा ऐसे करते करते जो एक्चुअली हमें लास्ट में क्या मिल जाता था, 0। और फिर लास्ट में जब 0 मिल रहा था, तो उससे पहले जिस डिजिट से वो डिवाइड किया जाता था वही उसका क्या होता था, आंसर होता था। तो दूसरा मेथड क्या है, सेपरेशन मेथड। अच्छा, ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड लिखा है इसको प्राइम डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। So, क्या बोलते बच्चों, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत से इसके नाम है, बट इसका वर्क क्या है, सेम है। इसमें वर्क क्या है इसका बच्चों, सेम है। इसमें वर्क में डिफरेंट नहीं है, बस इसके नेम में डिफरेंस है। दूसरा मेथड है सप्रेशन मेथड। तो सप्रेशन मेथड क्या होता है, ये थोड़ा सा क्या है, इससे डिफरेंट है। जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था सप्रेशन मेथड, वहां सिंपली 1 3 5 ऐसे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे है, देखो एक यहाँ पे जैसे 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है आपका 27। तो यहाँ से बच्चों अगर 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब किया जाए तो कितना आएगा, चलो मुझे बताओ, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो माइनस करेंगे तो याद है आपका 19 आएगा, कितना आएगा बच्चों, क्या अगर 19 आएगा, ठीक 19। और 19 को थोड़ा सा अगर हम तोड़ना चाहें तो क्या तोड़ सकते हैं, इसको हम अगर 19 को लिख सकते हो 1 + 2 × 6, कितना हो गया, 1 + 1 × 6 करिएगा, 1 × 6 + 2 × 6, तो देखो कितना हो गया, 1 + 1 × 6 + 2 × 6 कितना हो गया बच्चों, 1 6 1 7,
और 7 और ये 6 टू 12 हुआ कितना हो गया 19 हो गया। अब बात करते हैं बच्चों 4 क्यूब की, तो 4 क्यूब कितना होता है 64 होता है, कितना होता है 64। तो यहाँ पे देखना बच्चों, यहाँ पे 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब की बात की जाए तो कितना आ जाएगा 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, तो 64 माइनस 3 क्यूब कितना 27, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों माइनस करोगे तो 14 में से 7 जाएगा तो 7, यहाँ पे आपका बच्चा 537 कितना है बच्चों 37। तो ये 37 है, अगर हम इसका इसी के अकॉर्डिंग फैक्टर करें तो देखो क्या आएगा 1 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6। देखिए पैटर्न जा रहा है, क्या पैटर्न जा रहा है 1 प्लस 1 इंटू 6 2 इंटू 6 3 इंटू 6 ठीक। चलिए आगे देखो बच्चों, अगर हम बात करें 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब की, तो 5 क्यूब कितना होता है 5 क्यूब होता है 125 और 4 क्यूब होता है 64, माइनस करोगे बच्चों तो आएगा 61 कितना आएगा 61। अब 61 को भी ऐसे फैक्टर करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6 और प्लस 4 इंटू 6। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ देखो अगर ये बच्चों देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 है तो लास्ट में 2 तक जा रहा है, यहाँ 3 है तो लास्ट में 3 तक जा रहा है, यहाँ 4 है तो लास्ट में 4 तक जा रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक चलो समझते हैं ये बात को, और इसको ऐड करोगे तो 61 ही आएगा। ऐड करना चाहो तो करके देख लो, 64 या 24 हो गया ये, ठीक है 24 और 6 या 18 और 6 टू या 12 और 6 टू या 6 और ये 7 और ये 1, तो नॉर्मल सी बात है इनकी ये पूरी वैल्यू 60 हो जाएगा और ये बस 1, तो कितना हो जाएगा 61। तो यहाँ से आपने देखा 61 आया, तो यहाँ से एक पैटर्न आ रहा है, वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न एक्चुअली ये है जिसमें हाँ, वो पैटर्न आपको बच्चों ये है कि 1 प्लस n इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू 3, ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। देखो कैसे n की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी 3 थी, देखो देखना कैसे मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, आई थिंक आपने कर दिया होगा इसे, ये पैटर्न कैसे फॉलो कर रहा है देखो, n की वैल्यू अगर 3 होती है, n की वैल्यू अगर यहाँ पे देखिए n की वैल्यू अगर 3 है तो ये n यहाँ पे हो जाएगा। देखो यहाँ पे जहाँ n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, क्या बच्चों वो नेचुरल नंबर है, अगर n नेचुरल नंबर है तो डेफिनेटली सी बात है स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से कि 0 से, नहीं 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा। अगर ये 1 से स्टार्ट होता है ठीक है, तो इसके नंबर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे 2 हो जाएंगे 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है तो चलो वैल्यू रखते हैं, तो अगर हम n इज इक्वल टू 2 रख देते हैं, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखी जाए तो क्या होगा, ये आएगा 1 प्लस 2 2 माइनस 1 इंटू 3, तो वैल्यू क्या होगी बच्चों 1 प्लस 2 1 1 जा 1 हो जाएगा सॉरी 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 1 और 1 3 जा 3, तो ये आ गया 1 और 3 2 जा 6 और ये आ गया 7। तो पहली वैल्यू क्या आ गई हमारी 7 आ गई, पहली वैल्यू क्या आ गई हमारी 7 आ गई। चलो इसी के अकॉर्डिंग दूसरी वैल्यू देखते हैं, तो n1 जब हमने रखा n इज इक्वल टू 2 रखा तो वैल्यू कितनी आई 7, वही बात समझिएगा। अब चलिए n की जगह हम कोई और वैल्यू रखते हैं, n की जगह हम क्या रख लेते हैं 3, चलिए n इज इक्वल टू हमने रखा 3, तो अब देखिए क्या होगा, फॉलो तो वही करेगा 1 प्लस 3 3 माइनस 1 इंटू 3, ये बच्चों क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3, तो 1 प्लस देखो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18 कितना आ गया 19। तो यानी n इक्वल टू जब हमने यहाँ देख लीजिए n इक्वल टू जब हमने 3 रखा तो वैल्यू कितनी आई, वैल्यू आ गई आपकी 19 आ गई। ठीक है n इक्वल टू 2 रखा तो 7 आई, n इक्वल टू 3 रखा तो 19 आ गई, इसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को रखते जाएंगे। चलिए और रखते हैं वैल्यू, अब n इक्वल टू हम कितना रख लेते हैं 4,
एन इज इक्वल टू फोर रखते हैं तो ये भी फोर हो जाएगा, ये भी फोर हो जाएगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो बच्चों कितना हो गया, वन हो गया, ये फोर इंटू थ्री हो गया, इंटू थ्री हो गया, वन प्लस थ्री थ्री जो नाइन और नाइन फोर जो 36 हो गया, तो ये आ गया 37। यानी जब n इज इक्वल टू हमने क्या रखा, 4 रखा, तो ये आ गया 37। ठीक, चीजें देखिए कैसे हो रही है उसको बस देखते जाएगा। अब एक लास्ट वैल्यू मैं रख रहा हूँ, n इज इक्वल टू 5 रखता हूँ, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3। देखो कितना हो गया, 1 प्लस 5 4 जाए 30, सॉरी 5 4 जाए 20 और 23 जाए 60, कितना आ गया 61। तो देखो क्या वही पैटर्न चल रहा है क्या, पहले क्या था हमारा, जब हमने 4 पे, वो एक चीज यहाँ पे मैंने बताना भूल गया, जब हम 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो आएंगे 7 आएगा। ठीक है, देखो बच्चों क्या आया, जब n इज इक्वल टू 2 था तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, जब n इज इक्वल टू 3 था तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई, देखो 19 है ना, तो 19 यहाँ भी आ गई। जब n इज इक्वल टू हमारा 4 था तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 37 आ गई, और n इज इक्वल टू जब हमने 5 रखा तो n इज इक्वल टू जब हमने 5 रखा बच्चों तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 61 आ गई। तो आपने यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है कैसे आ रही है, 7 आ रही है, फिर वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 7 आ रही है, फिर आपकी 19 आ रही है, फिर आपकी 37 आ रही है, फिर आपकी 61 आ रही है। इसी के अकॉर्डिंग में इसी सीरीज में नंबर चलते चले जाएंगे। तो अब सुनिए, जो इतना बड़ा रामायण पढ़ने के पीछे जो रीजन था, वो रीजन बस इतना है कि जब भी आपको सब्ट्रैक्शन मेथड से किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड किया जाए तो क्या करोगे, पहले तो आप 7 माइनस करोगे, फिर 19, फिर 37, फिर 61। इसके बाद ये जो नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम देख के चलेंगे कि उसमें कितना सबट्रैक्ट करना है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं उस पर डिस्कस करके इस वीडियो को फिनिश करते हैं। चलो बच्चों तो एक डिजिट ले लेते हैं, हम एक डिजिट लेते हैं 512। हमने एक डिजिट लिया 512, तो अगर फर्स्ट ऑड नंबर की बात करें तो वो क्या है हमारा 1, तो सबसे पहले हम उसमें माइनस करेंगे 1, तो कितना आएगा बच्चों, 511 आएगा, ये तो हमें पता है। ठीक है, चलिए हमने डिवाइड कर लिया 512 से 1 माइनस किया, कितना आ गया 511 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 511 को फिर से सेपरेट करेंगे। अब देखिए 1 से हो गया ना, तो अगली डिजिट क्या आएगी बच्चों, 7 आएगी, तो 7 से, तो 511 को 7 से माइनस करेंगे तो ये आएगा 504, कितना आया 504। अब इस 504 को आप माइनस करोगे 19 से, किससे बच्चों, 19 से, परेशान मत होइए सारे नंबर आपको गिवन होंगे, ठीक है, 19 से डिवाइड करोगे तो 19 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 14 से 9 जाएगा तो 5, अब यहाँ बचा आपका 9, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया तो 8 और ये 4, ठीक है 485। अब 485 में से अगली डिजिट है आपकी 37 माइनस करेंगे तो बच्चों देखो कितना, 15 में से 7 जाएगा तो 8, यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो 4 और ये 4, 448। अब 448 में से अगली डिजिट क्या होगी बच्चों, 61। अब 61 माइनस करेंगे तो 8 में से 1 जाएगा तो 7, 4 में से 6 जाएगा नहीं तो यहाँ कैरी देंगे तो हो जाएगा 14, 14 में 6 जाएगा तो 8 और ये 3, 387। अब यहाँ देखो 387 है, 61 के बाद क्या आता है 91, तो 91 सबट्रैक्ट करो बच्चों, तो 7 में से 1 गया तो कितना गया बच्चों, 6 आ गया, यहाँ 8 में से 9 जाएगा नहीं तो यहाँ एक कैरी देंगे तो 18 हो जाएगा, 18 से 9 गया तो 9 और यहाँ 2, 296 आ गया। अब 296 में से 127 माइनस करेंगे, चलिए करिए 296 में से 127 माइनस करेंगे, देखो बच्चों कितना आ गया, 16 से 7 जाएगा तो आएगा 9, यहाँ 8 में से 2 जाएगा तो आएगा 6 और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1, कितना आ गया 169। और यहाँ देख सकते हो लास्ट डिजिट कितना है 169 माइनस 169, तो कितना आ गया ये 169, ओ सॉरी 0, कितना
कितना गैप चाहिए, जीरो आ गया। तो आपने देखा कि हमने सीरीज वाइज चलते आ रहे हैं, कितना हो रहा है 1, 2, 1, 7, 19, 37, 61, 91 और 127 और 169 नंबर आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू की बात की जाए तो देखो यहाँ पे n हमारा कितना था, 2 था, यहाँ n हमारा 1 था, n हमारा 3 था, यहाँ n हमारा 4 था, n हमारा 5 था, n हमारा यहाँ पे 6 था, क्यों गलत हो रहा है, और n यहाँ पे कितना था 7 था, और n यहाँ पे क्या था 8 था। तो यहाँ पे बच्चों देखो n की वैल्यू कितनी आ रही है, n जब 8 हुआ तो ये जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, 0 हो गई, यानी किसका क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, किसका क्यूब है बच्चों, ये 8 का क्यूब है, ठीक है। तो चलिए आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, तब तक के लिए साइन आउट।